आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हम आज एक नया टॉपिक लेकर रेजोनेंस आया हूँ। यह टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। कहता है द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस कहते हैं। आखिर ऐसा क्या ज़रूरत है उसकी बात कहें। कहता है कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका एक से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किए जाते हैं। एक से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो लिखते हैं उसे रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इस फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड बाय टू और मोर देन टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। कहता है किसी मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को अध्ययन करने के लिए एक से अधिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इस फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। आखिर ये कब होती है रेजोनेंस, तो उसके लिए हमें कहे हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कब रेजोनेंस होगा, कब नहीं रेजोनेंस होगा, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सबसे बढ़िया कंडीशन और इम्पोर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन। अभी हम लोग समझेंगे डीलोकलाइजेशन क्या है, कंजुगेशन क्या है। तो पहले कंजुगेशन समझ लें। प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन कैसे पहचानते हैं, ऐसे कहते हैं अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड हो तो उसे कंजुगेशन कहते हैं। सिंपलेस्ट परिभाषा है अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई या सिग्मा पाई सिग्मा हो तो ऐसे को कंजुगेशन कहते हैं। सबसे अच्छा है अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई, एक कॉमन डिफिनेशन होती है। लेकिन कंजुगेशन होने की क्या क्या बात हो सकती है। कहता है अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद छोड़कर, पहले पाई होना चाहिए तब सिग्मा होगा तब पॉजिटिव चार्ज, माने पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा हो तो यह कंजुगेशन की पहचान है, या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज मिल रहा हो तो भी कंजुगेशन की पहचान है, पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वह भी कंजुगेशन होंगे, पाई सिग्मा लोन पेयर है तो वह भी कंजुगेशन होगा, पाई सिग्मा पाई भी है तो कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन पांच टाइप के आ रहे हैं, पाई सिग्मा दोनों ही कांस्टेंट है, पाई सिग्मा होंगे, पाई सिग्मा कंफर्म है कि होना ज़रूरी है, तो एक हुआ पाई एक सिग्मा। तो पाई सिग्मा के बाद या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो डॉट हो या तो पाई बॉन्ड हो, ऐसे कंडीशन हो तो कंजुगेशन है। क्या क्या है, पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या पाई बॉन्ड। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, कंजुगेशन। इसका हम एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे आज और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक जो स्टार्ट करने वाले हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन।
तो हम लोग उसी को एक्सप्लेन करते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, और ये डिफिनेशन भी उसी में समझेंगे क्या होता है डी लोकेलाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो कंजुगेशन ले रहे हैं, कंजुगेशन का टाइप है, आज हम ए में कर रहे हैं क्या, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। क्या कहेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, क्या कहेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अब ऐसे की एग्जांपल हम एक देता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस, क्या क्या कहे, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तब इस कंजुगेशन को कहेंगे पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 3 एटम का होना चाहिए, कितने एटम रहने चाहिए, 3 एटम होने चाहिए। इसके लिए मैं एक स्पेशल ट्रिक लेकर आया हूँ जो कहता है रेजोनेंस का 1, 2, 3 ट्रिक्स आर एप्लीकेबल, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इसको 1 कह दें, इसके बाद 2 होगा और 3। जब भी रेजोनेंस की बात आए तो हम लोग क्या कहें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव में पॉजिटिव को 1 दे दें, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 एटम की पोजीशन दे दिए। अब इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, सो कह रहे हैं, बॉन्ड जो है 1 और 2 का चेंज करके 2 और 3 में कर दीजिए, बॉन्ड 1 और 2, बॉन्ड 2 और 3 का चेंज होगा, बॉन्ड 2 और 3 का चेंज होगा 1 और 2 में, बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3 चेंज्ड इनटू 1 एंड 2। देखिए क्या होती है, इसे समझिए, हम कह रहे हैं क्या क्या चेंज करने के लिए, जो बॉन्ड है पाई, जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड जो है आपका 2 एंड 3 के बीच में है, कहाँ है, 2 और 3, 2 नंबर और 3 नंबर, इसको चेंज करके ले चल जाना है, ये पाई बॉन्ड को ला देना है 1 एंड 2 के बीच में। क्या कह रहे हैं, जो आपका पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है उस पाई बॉन्ड को उठा के रख देना है 1 और 2 के बीच में। एक बात बहुत इसेंशियली है, नंबर 1 पॉइंट कहे कि पाई बॉन्ड 2 और 3 वाला चेंज करके लेके चल जाना है इन बिटवीन, किसके बीच में ले जाना है, इन बिटवीन 1 एंड 2 में। और दूसरी कंडीशन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो 1 पर है, पॉजिटिव चार्ज जो 1 पर है वो चेंज करके एट 3 पोजीशन ले जाना है, पॉजिटिव चार्ज 1 पर जो है, पॉजिटिव चार्ज एट 1 पोजीशन जो है वो लेके चला जाना है 3 पोजीशन पर। अब इस बात को यहाँ दिमाग से सेट यहाँ करेंगे, हमने कहे हैं पाई बॉन्ड 2 और 3 पोजीशन के बीच में हैं, उसको लेके आ जाएं 1 और 2 के बीच में। दूसरी बात हमने कह रहे हैं
कि जो पॉजिटिव चार्ज वन नंबर पोजीशन पर है उसे पहुंचा दो थ्री नंबर पर। तो मैंने पहले लिख लूँ आराम से, ये रिवर्सिबल का चिन्ह दिए हैं, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। अब देखिए, हमने यहाँ सी एच टू लिख दिया, ये सिंगल बॉन्ड सी एच लिख दिया और ये सी एच टू। हम क्या कहते हैं, सो अब आप ध्यान से देखिए, एक नंबर का पॉजिटिव चार्ज तीन नंबर पर ले आना है, एक नंबर का पॉजिटिव चार्ज तीन नंबर पर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को तीन पर पहुंचा दें, तीन पर मैंने दे दिया मैंने तीन पर, एक काम हो गया। कहता है पाई बॉन्ड टू और थ्री का चेंज करके वन और टू के बीच में कर दें, पाई बॉन्ड टू और थ्री का चेंज करके वन और टू पर ले जाएं, तो वन और टू पर पाई बॉन्ड ला दें। अब आप देखिए यहाँ आपकी क्या क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज वन पर था वो पॉजिटिव चार्ज चला गया थ्री पर, और जो पाई बॉन्ड टू और थ्री के बीच में था वो पाई बॉन्ड आ गया वन पर। ये हुआ उसका रेजोनेंस, ये हुआ उसकी रेजोनेंस। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नाम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। इस ट्रिक को याद करिएगा, क्या कहे, एक का पॉजिटिव चार्ज चेंज करके, एक नंबर का चार्ज को चेंज करके कहाँ पहुँचा देना है, तीन पर, और दो और तीन का डबल बाउंड चेंज करके ला देना है वन और टू पर। ये दोनों क्या हो गया, रेजोनेंस। अब हम दूसरा बात करते हैं, इसका मतलब इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो हो गए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बहुत आराम से समझिएगा, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगेगा। CH2+ क्या कहें, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है इस पोजीशन को वन कह दें, जहाँ कंजुगेशन की बात है उसको वन कह दें। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इस कार्बन पर, तो आराम से इसको मैं वन नंबर दे दूँ, कोई दिक्कत, वन। तब इसको देना पड़ेगा टू। अब देखिए, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा। अब हमको पाई के आना चाहिए, एने जाते हैं तो सिग्मा, इधर आते हैं तब पाई, किधर आना चाहिए, इधर, तीन नंबर तीन। अब हमारा रिवर्सिबल का साइन दे दीजिए, या डबल हेडेड भी कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो, डबल हेडेड एरो दे दीजिए वह भी चलेगा, माने लेफ्ट से राइट भी जाएगा, राइट से लेफ्ट भी। अब हमने ट्रिक का एप्लीकेशन करें, क्या ट्रिक का एप्लीकेशन, पॉजिटिव चार्ज एक नंबर को, पॉजिटिव चार्ज एक नंबर को तीन नंबर पर पहुंचा दें, पॉजिटिव चार्ज एक नंबर को तीन नंबर पर पहुंचा दें, और दो और तीन का डबल बाउंड एक और दो के बीच में कर दें, दो और तीन का डबल बाउंड एक और दो के बीच में कर दें। क्या क्या कहे, जो पॉजिटिव चार्ज एक नंबर पर है
उसको उठा के पहुंचा दीजिए 3 नंबर पर, जो डबल बाउंड 2 और 3 के बीच में है उस डबल बाउंड को उठा के रख दीजिए 1 और 2 के बीच में। ये काम मैं करना चाहता हूँ। पहले जैसा फिगर लगता है वैसा बना लें, बना दिए। ये डबल बाउंड पर कोई चेंज नहीं है, इधर वाला लिख दें। देखिए 1 नंबर का पॉजिटिव उठा के 3 नंबर पर रख देना है। 1 नंबर का पॉजिटिव 3 पर रख रहा हूँ, मैंने यहाँ 3 लिखा हूँ, ये लिख दिया, यहाँ रख दिए। और ये 2 और 3 का डबल बाउंड, 2 और 3 का डबल बाउंड को 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ डबल बाउंड ला दें, हो गया। अब एक बात और, फिर यहाँ पॉजिटिव है तो 1 दे सकते हैं, ये सिग्मा है 2 दे दीजिए, यहाँ आप 3 दे दीजिए। फिर बात हो गया 1, 2, 3 की, इसमें फिर से मिल रहा है 1, 2, 3, माने यहाँ भी कंजुगेशन है, यहाँ भी कंजुगेशन है। तो फिर से आपको आगे बढ़ना है डबल हेडेड एरो देके। क्या कहे, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का कहने से अच्छा है 1 नंबर का पॉजिटिव चार्ज 3 नंबर पर ले आइए। एक फिगर बना लीजिए, हमारा जो भी चेंज होगा 1, 2, 3 में, इसको छोड़कर ज्यों का त्यों फिगर उतार दीजिए। कर लिए, कह रहे हैं 1 का पॉजिटिव चार्ज 3 पर ले जाइए, तो 3 नंबर पर पॉजिटिव दे दिए। अब आपका उसके बाद 2 और 3 का डबल बाउंड को 1 और 3 पर पहुंचा दीजिए, 2 और 3 का डबल बाउंड 1 और 2 के बीच में ले चलें, 2 और 3 का डबल बाउंड यहाँ लेके चले आएँ, तो ये डबल बाउंड। अब यहाँ जैसे ही आ गया तब देखिए 1, 2, 3 पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई हो या पाई सिग्मा पॉजिटिव हो तो कंजुगेशन है। अभी और रेजोनेंस होंगे, फिर डबल हेडेड एरो। अब फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पोजीशन 1 है, 1 वाला का पॉजिटिव चार्ज, 1 वाले का पॉजिटिव चार्ज 3 नंबर पर पहुंचा दें, और 2 और 3 का डबल बाउंड 1 और 2 में ले आए, तो आप यहाँ से ले आइए। देखिए 1, 2, 3 को छोड़ दीजिए और बाकी सब जगह ज्यों का त्यों, तो ये डबल बाउंड CH2 लिख दिया, ये पाई बाउंड जो कहते हो लिख दिया। अब आपका यहाँ पर 1 का पॉजिटिव चार्ज 3 पर ले जा रहा हूँ, और 2 और 3 का डबल बाउंड 1 और 2 में ले आया। अब इसको ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो पुनः सेम हो जाएगा। तो ये हुआ इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1, 2, 3 के सीरियल से आप चल सकते हैं, और ये मेरा सिंपल ट्रिक है 1, 2, 3 वाला, उसे कंसेप्ट ठीक कर लें। 1, 2, 3 में कंजुगेशन कैसे देखेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल 4 हुए, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल 4 हुए। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कैनोनिकल फॉर्म भी कहलाता है। अब हम एग्जांपल एक और ले रहा हूँ, उसको देख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2
डबल बॉन्ड CH CH2+। ये प्लस है तो वन पोजिशन, उसके बाद ये सिग्मा है टू पोजिशन, ये थ्री। अब आप पॉजिटिव को जब 1 2 3 पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो तो कंजुगेशन है, और कंजुगेशन रेजोनेंस हो करता है। हमने आपको इसको रेजोनेंस बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, एक का पॉजिटिव चार्ज को 3 नंबर पर लेके चले जाते हैं, एक नंबर के पॉजिटिव चार्ज को 3 नंबर पर पहुंचा दें। तो एक का पॉजिटिव 3, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा लेकिन इधर कोई चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ ज्यों का त्यों CH2 डबल बाउंड CH। अब आपका 3 नंबर यही है CH2+। एक यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होंगे, ये ज़्यादा लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे CH होंगे। अब आपका इसके बाद ये डबल बॉन्ड इधर ले आए CH के बाद CH डबल बॉन्ड CH2। आपका क्या हुआ से देखिए, एक का पॉजिटिव 3 पर आ गया है और आपका डबल बॉन्ड 2 और 3 का 1 और 2 के बीच में चला गया। फिर से लागू करें इसको 1 2 3, फिर वही बात लागू कर दें, एक का पॉजिटिव चार्ज 3 नंबर पर ला दें और 2 और 3 का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में कर दें, चेंज कर दें, इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दें और इसका डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में हो गया, और इधर जो कहते हो CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके इधर और कोई पॉजिटिव सिग्मा पाई नहीं है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए 3। आज हम एक एक्सप्लेनेशन किए हैं, किसका एक्सप्लेनेशन किए हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव या पॉजिटिव सिग्मा पाई, उधर से बोलें या इधर से, वो कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या क्या यहाँ देखते हैं उसकी बात, एक से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। इस सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी लगभग बराबर होती है या स्लाइटली डिफरेंट। क्या कहें, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी लगभग सेम होते हैं या तो स्लाइटली डिफरेंट, दोनों में कोई कह दें लगभग सेम माने बहुत थोड़ा का अंतर। तीसरी बात यह कहेंगे, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब यह सोचा जा सकता है, ऐसे रूप में एक्सपेरिमेंटल में नहीं पाया जाता है, रेजोनेंस हाइपोथेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका नहीं होता है। एक पॉइंट और, एटम ज्यों का पोजीशन त्यों रह गया लेकिन ये पाई बॉन्ड इधर उधर गया, चार्ज इधर उधर गया, मतलब या तो पाई इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाना ही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने को डीलोकलाइजेशन कहते हैं, और हमने रेजोनेंस का शॉर्ट डेफिनेशन कहा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या कहे, पाई इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाना ही डीलोकलाइजेशन कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और बात है
कि कभी भी ये एटम का पोजीशन प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम रहता है, माने एटॉमिक पोजीशन रेजोनेंस में नहीं बदलता है। मतलब सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन हमेशा सेम होती है। एक और है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड। यहाँ जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये चार पांच पॉइंट आपका हुआ। फिर से हम लोग कहे, पाई इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल के अंदर घूमने को डिलोकलाइजेशन कहते हैं, और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल होता है, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होती है। ये मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रत्येक को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी लगभग बराबर होती है। लगभग बराबर का मतलब स्लाइटली डिफरेंस भी कह सकते हैं। एटम की पोजीशन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के संख्या सेम होते हैं। तो पांच कंडीशन में से आज मैं एक एक्सप्लेन किया हूँ, कौन, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका अगला स्टेप लेकर आऊँगा, लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा कि वन पोजीशन का चार्ज तीन पर चला जाता है। वन टू थ्री का ट्रिक, रेजोनेंस का ट्रिक मैंने जो आपका दिया, इन्वर्सल ट्रिक है, यह ट्रिक है, ये हर समय याद रखिएगा, इन्वर्सल ट्रिक है, मैंने हमेशा ये रेजोनेंस में काम देगा, ये घरेलू बनाया हुआ ट्रिक है। क्या कहेंगे, वन टू थ्री ट्रिक ऑफ रेजोनेंस, मैंने वन की यहाँ ही पर कह सकते हैं वन का चार्ज थ्री पर ले जाना है, और टू और थ्री का डबल बॉन्ड वन और टू के बीच में ला देना है। क्या क्या कह रहे हैं फिर से आप देख लीजिए, ट्रिक का नाम हमने कहे वन टू थ्री ट्रिक्स, नहीं ना कह रहे हैं, वन टू थ्री ट्रिक्स में जो पोजीशन वन पर है, वन का चार्ज ट्रांसफर होके चेंज होके कहाँ गया, थ्री पर, और टू और थ्री का डबल बॉन्ड चला आता है वन और टू में, यही याद रखना है। थ्री का चार्ज को चेंज करके ले जाना है वन पर, या वन के चार्ज को थ्री पर, यही चेंज है, टू थ्री का डबल बॉन्ड वन और टू में, एंड सो ऑन, इसी तरह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।